होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। चलिए आइए देख लेते हैं कि हमारे पूरे कंट्री में कितने कॉलेजेस हैं जो होम्योपैथिक हैं, और ये भी देख लेते हैं कि उस कॉलेज का नाम क्या है, कौन से स्टेट में है, ऑनरशिप क्या है, गवर्नमेंट है कि क्या है और प्राइवेट है, या फिर कितनी सीटें हैं। तो ये 2019-20 का मैं आंकड़ा आपको दिखा रही हूँ। दरअसल यही अपडेट जो है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से मुझे मिली है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसे। और पहला कॉलेज अगर हम पहला स्टेट की बात अगर हम करें तो आज हम असम की बात करेंगे। हर दिन मैं एक नए स्टेट की बात करूंगी और हर स्टेट के बारे में बताऊंगी कि उस वहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, किस तरीके से वो गवर्नमेंट है कि नहीं, कितने सीटें हैं, सब कुछ बताऊंगी। इसका एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी जहाँ आप जाके देख सकेंगे कि कितने कॉलेजेस हैं असम में, कितनी हैं, फिर आंध्र प्रदेश में कितनी हैं, इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असम से। पहला नंबर जो है असम में और जिस कॉलेज का वो है डॉक्टर जे के सैकिया गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नियर जिमखाना क्लब रोड डिस्ट्रिक्ट जोरहाट 785008। असम में देखिए ये जो स्टेट है, ये जो कॉलेज है, ये असम स्टेट में पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की, जो एफिलिएट करती है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है श्रीमंता शंकरदेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गुवाहाटी। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसकी पूरी कैपेसिटी जो है वो 50 स्टूडेंट्स की है, यानी कि 50 सीटें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। चलिए आइए दूसरी नंबर पे हम चलते हैं और दूसरे नंबर पे देखते हैं कि असम गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मूल सिंह रोड लखीनगर पीओ की अगर हम बात करते हैं, यानी पोस्ट बॉक्स की बात करते हैं, तो वो है हैबरगांव डिस्ट्रिक्ट जो है नगांव है 782002। आइए अब हम देख लेते हैं ये असम स्टेट में है और यूनिवर्सिटी सेम है, श्रीमंता शंकरदेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गुवाहाटी। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 50 है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वाहिद तीसरी नंबर की जो मेडिकल कॉलेज है वो है स्वाहिद जादव नाथ गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विलेज बघारबारी पीओ जो है, यानी कि पोस्ट बॉक्स जो है वो है खानापारा गुवाहाटी 781037। आइए ये देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में है। तो ये असम में है, श्रीमंता शंकरदेवा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता है, ऑफ हेल्थ साइंसेज ये गुवाहाटी में है और गवर्नमेंट कॉलेज है BHMS की। इसमें टोटल सीटें 50 हैं। तो ये आपने देखा। अगले बार हम अगले स्टेट पे बढ़ेंगे और वो है आंध्र प्रदेश। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि असम में कितनी कॉलेजेस होम्योपैथी की। तो असम में 3 कॉलेजेस होम्योपैथी की हैं और जो यूनिवर्सिटी है वो एक ही है, श्रीमंता शंकरदेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज गुवाहाटी। और ये तीनों जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और सब में जो है 50-50-50 करके सीटें हैं, यानी कि 150 सीट आपको असम में मिल जाती हैं। जो भी बच्चे असम में करना चाहते हैं होम्योपैथी डिग्री लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो सीटें हैं ये पूरी की पूरी BHMS की हैं। यहाँ MD की कोई भी डिग्री आपको नहीं दी जाती और ना ही आपको कोई कॉलेज मिलेगा जो MD की यहाँ पढ़ाई जो करवाता हो। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि असम में कोई भी MD की कॉलेज नहीं है। वैसे तो बात हो रही है कि सीटें बढ़ाई जाएं और आगे और भी काम किया जाए होम्योपैथी आयुर्वेदा और सभी आयुष के लिए। तो ये तो आपने देखा कि हम आज असम के बारे में बात कर रहे थे। अगले दिन हम ज़रूर चलेंगे आगे आंध्र प्रदेश की ओर। लेकिन आज मैंने जो तीन आपको कॉलेजेस बताएं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसकी सारी सीटें जो हैं वो 50-50 करके हैं, लेकिन वो सब BHMS यानी कि बैचलर्स डिग्री के लिए है, MD के लिए एक भी नहीं है, याद रखें। और
ये तो थी आज की आपको मैंने लिस्ट बताई असम स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं उसकी। तो फिर मिलेंगे अगले दिन, और मैं कहना चाहूँगी कि एक प्लेलिस्ट ज़रूर बनेगा इसका, आप ज़रूर उसे देखें। तो और भी नए अपडेट्स के साथ मैं आते रहूँगी, आप लोग के साथ बने रहूँगी। आप लोग मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें, शेयर करें। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगे ये चैनल, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करते हुए जाएं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उस पे भी मेरी वीडियोस बनती रहती हैं, तो ज़रूर देखें उसे। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।